जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। माता रानी की तीन राशि वालों पर बड़ी कृपा होने वाली है और आज इस वीडियो में तीन राशि वालों के भव्य राशि फल के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आने वाले वीडियो में प्रत्येक राशि के बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी, लेकिन इस वीडियो में तीन राशि की जानकारी मैं दे रहा हूँ जो अक्टूबर के महीने में बहुत ही अच्छी रहने वाली है और माता दुर्गा की भरपूर कृपा इनके ऊपर होने वाली है। इनको संतान, धन, नौकरी, हर प्रकार की जो है कामयाबी मिलने वाली है। कौन सी है वह तीन राशियां, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 17 अक्टूबर से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और 17 अक्टूबर से माता के 9 दिन शुरू हो जाएंगे जो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। और माता दुर्गा की आराधना करने से चाहे कैसी भी अशुभ ग्रहण की दृष्टि हो, सारी दृष्टियां शुभता में बदल जाती हैं और तीन राशि बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। माता दुर्गा की स्पेशल कृपा इनके ऊपर होने वाली है। नवरात्रों में सभी राशि वाले माता रानी की आराधना करें, अखंड ज्योत जलाएं, खेतरी बीजें और माता के मंत्रों का जाप करें जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। नवरात्रों में बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं जो बहुत प्रभावशाली होते हैं, उनकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। सबसे पहली बात करते हैं वृषभ राशि की। अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि बहुत ही अच्छी रहने वाली है। वृषभ राशि का भाग्य बहुत ही अच्छा है क्योंकि वृषभ राशि में राहु का गोचर चल रहा है जो बहुत बड़ी सफलता वृषभ राशि वालों को दिलाने वाला है। वृषभ राशि वालों को संतान धन की प्राप्ति होगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा और अकस्मातिक यानी गुप्त मार्ग से आपके पास भरपूर धन आएगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, शत्रु आपसे दब करके रहेंगे और आप अपने दिमाग के बल पर बहुत सारे कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। वृषभ राशि 2022 तक बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। अगली राशि के बारे में बात करते हैं, वह है कन्या राशि। अक्टूबर के महीने में कन्या राशि बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि के अंदर शुक्र का गोचर बहुत बढ़िया शुभ देने वाला है, शुभता प्रदान करने वाला है और कन्या राशि वालों को घर गृहस्थ के जीवन में थोड़ी सी मुसीबत आएगी, कोई मनमुटाव हो सकता है, लेकिन मंगल कार्य संपन्न होंगे, खुशी के माल रहेंगे, शादी विवाह का योग बनेगा, पुत्र का योग बनेगा। बहुत बढ़िया यह है कि इन तीनों राशि वालों को पुत्र का योग बन रहा है और धन की भरपूर प्राप्ति होगी, आपका रुका हुआ कार्य बनेगा, पैसा गया हुआ वापस आएगा, आपके पति पत्नी के विचार जो है आपस में मिलजुल खाएंगे और आपके शादी के योग बनेंगे। अगर आप लव मैरिज आदि करना चाह रहे हैं, लव मैरिज लव लाइफ जो है बहुत ही अच्छी रहने वाली है। माता की आराधना करते रहें, माता दुर्गा की कृपा से सारे कार्य आपके सिद्ध होते चले जाएंगे। पास कहीं भी मंदिर में थोड़ा सा ज्योत के लिए घीदान जरूर करें। अगली जो राशि है वो है तुला राशि। सूर्योदय योग जो बहुत ही शुभ माना जाता है, यानी तुला राशि वालों का बहुत बढ़िया आप भाग्य कह सकते हैं। और तुला राशि के अंदर जब सूर्य बुध आदित्य योग बनेगा तो बहुत ही अच्छा इसे आप कह सकते हैं, किस्मत खोलने वाला है, हर प्रकार के कार्य में सफलता मिलेगी, हर कार्य आपके संपन्न होंगे और माता रानी की कृपा से आपको संतान धन की प्राप्ति होगी और नौकरी व्यवसाय हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो धूमधाम से माता के नवरात्रे मनाएं और ये तीन राशि वाले बहुत ही शुभ इनका भाग्य रहने वाला है और आपके भूमि जायदाद आदि का भी लाभ मिलेगा, संतान की प्राप्ति होगी और आपका बिगड़ा हुआ कोई कार्य सिद्ध होगा, कोई रूठा हुआ भी आपसे मनेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। वीडियो को आगे शेयर करें जैसे सबको अपनी राशि बारे में पता चल सके।